मुतालबा करें और उस पर अमल भी करें। तो कल इंशाअल्लाह ताला दारुस्सलाम में सुबह 10:30 बजे पहले परचम कशाई होगी और परचम कशाई के बाद एक जलसा होगा और हमारी पार्टी के लिए कल का दिन 2 मार्च एक बड़ा अहम और तारीखी दिन है और हम तमाम मजलिस के जिम्मेदारों के लिए एक फ़ख्र का दिन भी है और यकीनन तमाम मजलिस के जिम्मेदारान मुहिबान मजलिस कल दारुस्सलाम में जमा होंगे और हम अपने जमात के पैगाम को और जमात की मेहनत और जस्तजू का जिक्र भी करें। कल के तो पार्टी फॉर्मेशन डे है और इंशाल्लाह आप लोग तशरीफ लाइए और हमारी पार्टी अपना एक सियासी सफ़र जिसका आगाज 1957 में मरहूम फ़ख्रे मिल्लत अलैहि रहमा और उनके साथियों ने किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस एक ताकत और मौक़ रखती है और जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो क़ुरबानियाँ दी, जो खून पसीना बहाया, जेल की सोहबतें और मसायब और मुश्किलात का सामना किया, आज उन्हीं की क़ुरबानी और मेहनत की वजह से आज मजलिस इस मुकाम को पहुंची है। तो यकीनन हम उन तमाम हमारे मरहूम कायदीन को, हमारे जो जिम्मेदारान जो आज इस दुनिया में नहीं, उन सबको खराज अकीदत पेश करेंगे, उनको याद करेंगे ताकि उन तमाम लोगों की मेहनत, क़ुरबानी और उनके जो उम्मीदें थी हम उसको पूरा कर सकें। और उसका तरीक़ा एक ही है कि हम लोग और ज़्यादा मेहनत करें, इखलास पैदा करें और मजलिस के पैगाम को आवाम तक लेकर जाएं और ख़ास तौर से गरीब आवाम के दरमियान में रहकर उनके इंसाफ का, उनके हकूक का मुतालबा करें और उस पर अमल भी करें। तो कल इंशाअल्लाह ताला दारुस्सलाम में सुबह 10:30 बजे पहले परचम कशाई होगी और परचम कशाई के बाद एक जलसा होगा और हमारी पार्टी के लिए कल का दिन 2 मार्च एक बड़ा अहम और तारीखी दिन है और हम तमाम मजलिस के जिम्मेदारों के लिए एक फ़ख्र का दिन भी है और यकीनन तमाम मजलिस के जिम्मेदारान मुहिबान मजलिस कल दारुस्सलाम में जमा होंगे और हम अपने जमात के पैगाम को और जमात की मेहनत और जस्तजू का जिक्र भी करें। तमिलनाडु में हम बराबर इलेक्शन लड़ेंगे, 5 साल पहले भी हम इलेक्शन लड़े थे और वानियमबाड़ी से और एक 2-3 जगह से हम मुकाबला किए थे। वानियमबाड़ी में तमिलनाडु हमारा यूनिट काम कर रहा है, इंशाल्लाह डेफिनेटली तमिलनाडु में हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे लोग वहाँ पर काम भी कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ेंगे तमिलनाडु में। आप भी जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, अरे बराबर जाएंगे।